बहुत औना पौना चक्कर में पड़े हो, घर का खाना साले तुम नहीं खा रहे हो, ऐसे लंटाई करोगे, भर के और ऐसे हूल के खाओ। जय हिंद। अगर आप पतले हो, कमजोर हो, आप चाह रहे हो कि हमारे बॉडी साइज बढ़े, हमारा वजन बढ़े, हमारी बॉडी बने और हम तगड़े दिखे, तो हमारे भैया ये वीडियो है आपके लिए। बॉडी साइज बढ़ाने के लिए, बल्कअप करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे भाई। पहला है डाइट, दूसरा का है वर्कआउट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे सस्ती और तगड़ी डाइट और वर्कआउट करने का बहुत ही आसान और असरदार तरीका, जेका फॉलो करके ना हमारे भाई कोई भी पतला बंदा, कोई भी पतला इंसान अपना आसानी से बॉडी साइज बढ़ा सकता है, बल्कअप कर सकता है, अपना वजन बढ़ा के बवाल मचा सकता है। तो टाइम का है, बेस्ट कर रहे हैं, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए हमारे भाई। बॉडी साइज बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो भैया डाइट। और डाइट जितना सस्ती सिंपल हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि हर एक इंसान उसे फॉलो करके रिजल्ट पा सके। तो भैया हम बताने वाले आपको दुनिया की सबसे सस्ती, इफेक्टिव और तगड़ी डाइट, जेकर नाम है भैया देसी डाइट। देसी डाइट का फायदा ही हमारे भाई बहुत ज्यादा सस्ती होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, और एक बार वजन बढ़ता है ना वो टिकता है। तो जाए भैया पेपर लाओ, पेन लाओ और अपनी डाइट लिखना स्टार्ट करो और वजन बढ़ाना चालू करो। तो पेन और पेपर ला लिए ना, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है मेरे भाई, पहले सोई उठना है। सोई उठोगे तभी तो खान पान खाओगे, तभी तो डाइट फॉलो करोगे। जैसे ही तुम सोई उठो, हमारा रिक्वेस्ट है, सबसे पहला काम तुमको क्या करना पता है, गिलास पकड़ना, गिलास पानी लेना मेरे भाई। नॉर्मल वाटर, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, और उसे घुट घुट करके पियो। एक ही बार में मत ढांप जाना, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। हमारा मेन मकसद है कि हमारा जो स्लाइवा है, हमारा लार है मुंह का, वो अंदर जाना चाहिए। जब एक बार अंदर चला जाएगा ना, दिन भर आपको अच्छी भूख लगेगी और आपका जो हम खाएंगे ना, खनवा पचेगा। काहे बिना इतना हम लोग खाएंगे ना, अगर पचेगा नहीं, फायदा नहीं होगा, वजन नहीं बढ़ेगा। तो और भैया पानी वानी पीने के बाद जाके बाथरूम वाथरूम चले जाओ, पेट वोट साफ कर लो, कचरा फचरा बाहर निकाल लो। सबसे पहली चीज तुम्हें वो खानी है जो दिन भर तुम्हें एनर्जी देगा, पावर देगा, ताकत देगा और एकदम फुर्ती में रखेगा। उसका नाम है भैया केला। वो 50 केला नहीं, सिर्फ 2 केला तुमको लेके शाम को रखना है, ताकि हम उसे सुबह खा सके। सुबह सुबह केला इसलिए खाना है ताकि हमारी बॉडी चार्ज अप हो जाए और हम एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सके। हमारे दोस्त केला वाला खाने के आधे घंटे बाद हमें लेना है दिन का पहला आहार, जो कि बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी है। वह 100 ग्राम भीगा कच्चा चना और 25 ग्राम किशमिश। चनवा भीगेगा कैसे हमारे भाई, क्या करना है पता है, रात को गिलास में पानी भर लेना, उसमें 2 मुट्ठी चना डाल देना, मार्केट से लाके 2 मुट्ठी डाल देना, देसी वाला खरी लेना। और साथ साथ ना तुम्हें 25 ग्राम किशमिश डाल देना पनिया में। जब पनिया में डाल दोगे ना, सुबह देखोगे ना उस चनवा फूल गुब्बारा हो जाए, किशमिश वो भी फूल जाएगा। उका का करना है, पहले पनिया फेंक देना है, उसके बाद उका बढ़िया धो लेना है एक दो बार। धोने के बाद आराम बैठ जाओ और बैठने के बाद आराम आराम खाओ। तुरंत खा के भागने से कोई फायदा नहीं हो, कहे बिना खड़ा बेड़ अगर पेट में जाएगा वो पचेगा नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। कहे बिना जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती ना, वो फायदा उदा नहीं देती। बहुत ही रामबाण, बहुत ही जरूरी मील है जो कि हर एक पतले इंसान को खाना चाहिए। चना और किशमिश मारने के 1.5 घंटे बाद हमारा जो तगड़ा मील आ गया है, जो हमारा वजन बढ़ाने में, साइज बढ़ाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो का है पता है, 2 से 3 बड़े बड़े उबले हुए आलू ले लो, उसके साथ चावल ले लो एक कटोरी भर के, सफेद वाला चावल ले लो, ब्राउन का कोई जरूरत नहीं है। उबली हुई आलूया काट लो छोटा छोटा करके, उनमें चावल मिक्स कर लो, और ऊपर का डालोगे तुम पता है, काला नमक डालो, काला नमक डालो, खाने में थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और यही तुमको खाना हो सके तो उबले हुए आलू और चावल के साथ थोड़ा सलाद ले लो, काला नमक मार के जब खाओगे ना मजा आएगा। इसमें बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा कैलोरीज है, बहुत ज्यादा भर भर के न्यूट्रिशन है, जो तुम्हारे बॉडी में जाएगा ना तुम्हारे वजन बढ़ा के रख देगा, तगड़ा बना देगा। जब तुम कमजोर हो गए थे, सुस्त हो गए थे, झंड हो गए थे, हमारे भाई मजबूत कर देगा बे, तगड़ा बना देगा बे। लिख रहे हो कि नहीं, लिखते रहो हमारे भाई। आलू उलू खाने के 2 घंटा बाद हमारा जो नया मील आ रहा है वो का है पता है, या तो बाजार में जाइए, कहीं व्यवस्था करो, 100 ग्राम पनीर की कच्ची पनीर ले लो और साथ 2 केला। पनीर का टुकड़ा खाते रहो, केला भी उसके साथ मारते रहो। अगर तुमका पनीर पसंद नहीं है और आप नॉन वेजिटेरियन हो और अंडा खाने का शौक रखते हो, तो भैया 4 उबले हुए अंडा ले लो और साथ 2 केला मार दो। बहुत लोग ये अफवाह फैल के रखे हुए हैं कि केला और अंडा खा लोगे तो मर जाओगे। हमको मरना होता तो मर गए होते 4 साल पहले। आप केले के साथ अंडा खा सकते हो, अंडा के साथ केला खा सकते हो, कुछ होता होता नहीं है। चुतिया लोग कुछ भी बता देते हैं और आप मान लेते हो बेमतलब। पनीर के साथ केला खाओ या अंडा के साथ केला खाओ, दोनों तगड़ा है, आपकी चॉइस है, आप क्या खाना चाहते हो। हमारे भाई डेली लाइफ में, शादी विवाह में या पार्टी वार्टी में, जाने अनजाने में लोग बहुत ज्यादा जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने का कारण बन जाती है और बहुत सारी बीमारियों का एक कारण बन जाती है। फास्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ रिलैक्स का या रिलैक्स जंक इजी टैबलेट। रिलैक्स जंक इजी टैबलेट तो भैया आपके पास होनी होनी चाहिए। अगली बार जब भी आप ऑयली चीज, फास्ट फूड चीज या मैदी से बनी चीज खाने जा रहे हैं, उससे आधे घंटे पहले गुनगुने पानी से इसका 1 या 2 टैबलेट अगर आप ले लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे ना, तो जो भी आप फास्ट फूड खाएंगे वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ कोई भी फास्ट फूड और जंक फूड आपके इंटरनल ऑर्गन्स और लीवर वगैरह को डैमेज नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ गैस, अपच वगैरह की समस्या को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और फास्ट फूड की वजह से हमारे बॉडी में जितनी भी सारी गंदगी जमी हुई है, उसको या रिलैक्स जंक की टैबलेट डिटॉक्स करने में, बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 100% आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप बाय कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। अरे 2 घंटा बाद जो हमारा चौथा मील है, दिन का हमारा चौथा खाना है, उसमें क्या खाना है पता है? उसमें कुछ फैंसी चक्कर नहीं पड़ना है, लंठाई चक्कर नहीं पड़ना, वरना घर वाले डांटेंगे, कहेंगे तुम बहुत औना पौना चक्कर पड़े हो, घर का खाना साले तुम नहीं खा रहे हो, ऐसे लंठाई करोगे। तो क्या करना है पता है? घर का खाना खाना है। घर खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें लेना है वजन बढ़ाने के लिए, अपने चॉइस के हिसाब से एक कटोरा भर के लाद के चावल ले लो, ओकरे साथ सब्जी या दाल बनी हुई ले लो, और ओकरे साथ बहुत जरूरी चीज जो तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करेगा का है पता है? सलाद। सलाद में क्या आता है? प्याज आता है, गाजर आता है, टमाटर आता है, चुकंदर आता है, खीरा आता है, जो जो अवेलेबल हो, मूली फूली काट लो, थालियां में से सजा लो भर के, और ऐसे हूल के खाओ। जितना तगड़ा खाओगे उतना तुम्हारा तगड़ा वजन बढ़ेगा, बॉडी उतनी तगड़ी बनेगी, कमजोर तो तुम रहोगे नहीं अगर हूल के खाओगे। लाद दो एकदम सारा, इसे भर दो ट्रक के जैसा, और वजन बढ़ाते रहो। दिन भर हम लोग खाए रहते हैं, अब ये है रात। रात में हमें घर का खाना जरूर खाना होगा। अगर आप बिना घर खाना खाए सोए तो मम्मी बहुत डांटती हैं, पापा कंटाप मार सकते हैं। 2 रोटी लेनी है, 1 कटोरा चावल लेना है, थोड़ी सब्जी लेनी है, इसे आपको खूब दबाए खाना है। खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास दूध का व्यवस्था कर लो, चाहे भैंस की मिल जाए, चाहे गाय मिल जाए, चाहे बकरी मिल जाए, बकरा तो मिल नहीं पाएगा मेरे भाई, तो दूध की व्यवस्था कर लो और थोड़ा गुनगुना रहेगा और साथ पी जाओ, पी के लेट जाओ। दूध का सिस्टम ही है कि रिकवरी कर देता है, और सुबह जब उठोगे ना एकदम पावरफुल रहोगे, तगड़े रहोगे, ओवरऑल तुम्हारा हार्मोन्स बढ़ाने में, ताकत बढ़ाने में, बॉडी का अर्ध दर्द की दूर का एक दूधवा, तो दूध पियो, 1 गिलास तो पियो ही पियो, चाहे जवन हो जाए। डाइट तो आपने खा लिया को भूल लिया, आपका वजन बढ़ने लगेगा, लेकिन वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी का वजन अनडमांड तरीके से न बढ़ पाए, हमारा जो वजन बढ़े ना शेप में बढ़े, हमारी बॉडी तगड़ी लगे, शेप में लगे हमारे भाई। ओकरे लिए वर्कआउट दुनिया का सबसे असरदार और सबसे आसान और बिना झंझट वाला वर्कआउट का है पता है? आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। अगर तुम पतले हो, आंख मूंद के फॉलो करो, वजन बढ़ जाएगा। पहला काम तुमको क्या करना है? पुशअप मारना है। अब पुशअप का टारगेट रखो डेली 50 से 100, ठीक है? चलो सिंपल ही पुशअप मान लो, रेगुलर पुशअप, ठीक है? 50 से 100 का टारगेट बनाओ, 50 से 100, 50 से 100। अब कहोगे हमसे होता नहीं, एक होता है ना बे, एक एक करके 100 बार मार दो, मेहनत तो करना ही है, हार तो मानना नहीं है। तो डेली 50 से 100 पुशअप का टारगेट बनाओ। अगर तुमसे ही पुशअप नहीं होता तो घुटना रख लो जमीन पे, घुटना रख के नी पुशअप ही मारो, लेकिन 50 से 100 नी से टारगेट बनाना है कि हमको रेगुलर पुशअप तक जाना है। पुशअप कर लोगे तुम्हारी अपर बॉडी फट के बाहर आ गई। अगड़ा वजन बढ़ाना है ना, सिर्फ पुशअप थोड़ी होगा, हमको माना है स्क्वाट, डंड बैठक, फैलाओ पैर वा, चल जे नीचे, ए ये 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 इहो मारे भैया तो का 50 से 100 बार डेली, ताकि हमारा जो लोअर एरिया में ना नीचवा वाला सिस्टम बना, नीचे वाला सिस्टम मजबूत हो जाए, और नीचवाई वाले सिस्टम से पूरी बॉडी ताकत बढ़त, वजन बढ़त, कहे बिना बहुत सारे हार्मोन्स है ना हमारे नीचे वाले सिस्टम से पैदा होती। ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा होगा तो हमारी बॉडी का वजन बढ़ेगा, तगड़े हो जाएंगे। तो डेली 50 से 100 दंड बैठक, रेल के बहाव। तीसर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बैकवा के लिए है, हमारी मजबूती के लिए, हमारा पावर बढ़ाने के लिए, हमारा ही उंगलियाँ उंगलियाँ पूरा हाथों मजबूत करने के लिए है, ओकर नाम भैया पुलअप मारना, बीम मारना। गांव में क्या कहा थी? बीम मारना। बीम मतलब ऐसे पकड़ा कौन चीज लटक के मारा ऊपर धर से, पकड़ा लटक मारा धर से। यहाँ तो 150 तो आप अगर नहीं मार सकते हो तो डेली 20 से 30 मारे टारगेट बनाए लो, और 3 महीने फॉलो करो डाइट और वर्कआउट मिला के, वजन तुम्हारा बढ़ जाएगा, टी शर्ट तुम्हारी कस जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे फालतू मत भागो, एक लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, कौनों कमी हो भैया वो बता दे, और हाथ जोड़ के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।